प्रणाम, हम छी मोनालिसा और आई हम रक्षाबंधन स्पेशल एगो मिठाई के रेसिपी लेके आयल छी जे कि बहुत टेस्टी लगे छे खाय में। तो एके लेल हम लो लेने छी पहले ई मिल्क पाउडर। एवरीडे के हम मिल्क पाउडर लेने छी, अहाँ कोई सा भी यूज कर सके छी। तो ई मिल्क पाउडर हम 500 ग्राम ले लेने छी और ई 5 टेबल स्पून पीसल चीनी छै, जते लगते ओते कम रखबे स्वाद अनुसार, क्योंकि मिल्क पाउडर भी मीठा होइ छै। और ई पिस्ता 100 ग्राम पिस्ता छै जे छोड़ायल पिस्ता बादाम अनसॉल्टेड बिना नमक वाला जे मार्केट में मिले छै ऊ लके हम पीस लेने छी। और ई नारियल के बुरादा छै इहो 100 ग्राम छै। और ई 4 टीस्पून घी छै और ई 5 टीस्पून बटर छै। तो अनसॉल्टेड बटर अगर अहाँके मिल जाइ छै तऽ ऊ लऽ लियो, नहि तऽ अनसॉल्टेड बटर भी यूज कऽ सकै छी। और ई छै दूध जते लगते हम रखबै और ई 5-6 टा इलायची के हम कुटि लेने छी। हम गैस के ऑन कर लै छी, रख देबै में ई बटर। और एहिमे साथ में रखबै हम दूध 3 टेबल स्पून, 10 टेबल स्पून एहिमे ई दूध राखि देबै। और अखन हम कमे आँच कयने छी और पहिले अच्छा से नीक जगह हम बटर के एहिमे दूध में मिले देबै। देखू बटर मिल गेल छै दूध में, तब हम एहिमे राखि देबै ई मिल्क पाउडर आराम से कनके कनके कऽ के रखबै और बढ़िया से मिलेबे, एकरा गुलठियाई नहीं देबे हम सब। आराम से का मिलबैत रहबे हम सब। ये कनी प्रेस करके दाब दाब के नीचे का और एकरा हम अब अच्छा से मिला के 2-3 मिनट कम आंच पर हल्का भूज लेबे। देखियो एकदम ड्राई भ गेल छै, 2 मिनट जते हम एकरा अच्छा से मिले लिए। तो कनिक एहिमे हम दूध और रखबै ई 4 बड़ा चम्मच टेबल स्पून और साथ में हम राखि देबै घी। ये 4 टीस्पून घी लेबे एमे और अच्छा से हम फिर अच्छा एकरा मिक्स कर लेबे, एमे एकोटा लम्प्स नहीं रहे। देखो एहन कंसिस्टेंसी में लावे लगी बेटर कि हम एते कि आधा कप से कनी कम दूध हम एमे थप लिए। देख लिए आराम से धीरे धीरे थपे के छै, एहन हम बैटर बना ले लिए। आब मध्यम एकदम कम आँच छै, आब हम कनी मध्यम कऽ देबै आँच के 1 मिनट जते मात्र हम सब मध्यम आँच पर एकरा हल्का से भूज लेबै। खुशबू भी बहुत नीक आ रहल छै, तऽ एहिमे हम राखि दै छी इलायची पाउडर और साथ में ई चीनी और ई पिसल चीनी। तऽ एहिमे हम सब एक बेर नहि रखबै, कियाकि मिल्क पाउडर अपने मीठा होइ छै, तऽ कनी कम चीनी करबै। तऽ ई 5 बड़ा चम्मच 5 टेबल स्पून डाल लिए हम एहिमे अभी चीनी। अब एकरा हम अच्छा से मिक्स करबै और लगातार चलाते रहब, जेना जेना चीनी गरम होते चीनी पिघलते जेते। एहिमे देखिए नीक जगह से इसमें मिला लेबै हम सब चीज के, चीनी के इलायची के एकदम प्रेस करते हुए हम सब मिलेबै। और एहि अथी में जब चीनी मिल जेतै बढ़िया से, तो एहि स्टेज पर हमसब कनिका बैटर के टेस्ट कऽ लेबै जे कतेक मीठा पसंद छै, अहाँ सब अपना हिसाब से राखि सकै छियै। अभी 2-3 मिनट जे हम एकरा मध्यम आँच पर भूज लेने छी, तऽ आब हम गैस के कम कऽ दै छी और हम ई बैटर के हाफ करबै।
आधा आधा करबे, दू जगह करबे, एगो हम नारियल फ्लेवर और एक हम अहाँके पिस्ता फ्लेवर के बनेबे। हम आधा निकाल लेबे। पहले हम बेस के लागि तैयार करबे, दोनों हम एक के साथ मिक्स करके बना रहल छी दोनों फ्लेवर के। पहले हम बेस तैयार करब, निकाल लेली और एकरा अखन हम साइड में राखि दै छी। पिस्ता ऐड कर दे, पिसल पिस्ता, ये अभी हम कम आंच में एकदम कम आंच में हम मिक्स कर लिए पिस्ता के। एगो तो तैयार छ, तो कनी हम ठंडा होला कनी देर साइड में एकरा राख दे छी, ताले हम दोसर तैयार कर ले छी। अब एमे हम नारियल रखबे, एमे धीरे धीरे पहले नारियल रखबे, नारियल बहुत सूखा होय छै, एब्जॉर्ब करते कनी के अपन मॉइस्चर। एकदम ध्यान रखे के छै कि फ्लेम के जे आंच छै बस के बहुत कम राखे छी, एकदम सिम कर लेबे के छै। सही त कलर भी ऐड करके कर सकै छी ग्रीन के लागि, लेकिन ऐसे भी वो हम तो कोनो कलर नहीं ऐड करबे, पिस्ता के ही नेचुरल कलर बहुत निकाल छे। देखियो नारियल पिंडाते ही हमें 100 ग्राम से मतलब 50 ग्राम से भी कम नारियल की बुरादा लगले है। हम लेने चले 100 ग्राम के पैकेट। ये देखियो ये तैयार से हम गैस के ऑफ कर देली और अब हम प्लेट में रखबे, प्लेट के ग्रीस कर लेबे। अहाँ कोनो बर्तन में जमा सकते हैं। हम बर्फी खास बना रहा छी, बहुत निक लगे छी नारियल और पिस्ता के कॉम्बिनेशन। हम पहले ही बैटर राख देबे, आ चाहे तो एकर पेड़ा भी बना सकते छी, बहुत निक लगे छी। और हम बनिया से एकरा एमे मिला देबे। देखिए निक जगह से हम एकरा राख देने छी प्रेस क के, और कनी मोटे एकरा रखने हम सब बर्फी मोटे रहे छे। अहाँ चाहे तो पहले पिस्ता के रख सके, हम पहले पिस्ते के रखे वाला चली, लेकिन हम ट्विस्ट के लिए हमरा निक लग दे के ही पहले नारियल वाला रख दिलिए और अब हम इनमें ऊपर से पिस्ता के फ्लेवर वाला रखबे। कतेक निक कलर आयल छे, नीक जगह से हम एकरा पेपर सेट कर दे छे। देखो बगल से अहाँ चाहे तो कोनो शेप में एकरा कर सके छी, रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप में भी राख सके छी कोनो भी बर्तन में। तो ये देखियो बगल से, तो एमे हम कनी सनी ट्विस्ट हमर ये छलै जे ऊपर में हम पिस्ता वाला रखबै तो व्हाइट कलर के नारियल के बुरादा से कनिका गार्निश करबै। और एकरा हम कुछ देर के लिए अब हम फ्रिज में राख देबे, और एकरा अब हम फ्रिज में राख दे छी 15-20 मिनट आधा घंटा के लेल। देखो आधा घंटा भ गेल छै, तब हम पीसेस में काट लेबै बर्फी के। देखियो कते निक से सेट भ गेल छै, ये बहुत निक से कटा भी रहल छै। और जेहन चाहे जते मोटा पतला है के अपने हिसाब से पीस काट लिए। अब एक हम चौकोर आकार में काटबे, यहाँ अपना मनपसंद के हिसाब से काट लिए और छोटे छोटे पीस काटबे। देखिए कतेक निक लगे छे, दू लेयर के बादाम के हरा कलर कते बढ़िया लगे छे, पिस्ता बादाम के हरा कलर। अहिना हम सब पीसेस काट लेबे। देखो तैयार से ई रक्षाबंधन में अपनो सब बनाओ ई बर्फी, बहुत आसान से बनने में और बहुत निक लगे छे खाए में, तो अपन भाई सब के खिलाओ। और आशा से कि अपने सब के निक लागल हेतै हमर ई रेसिपी, तो हमर चैनल के सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो के लाइक और शेयर कर दिए।